लंबी पार्ट इज 4 + 6/10, तो ये हो जाएगा 4.66/10 को नीचे एक जीरो है तो ऊपर 0.6 लगा देंगे हम, ठीक है। नाउ सेकंड इज 7 + 5/10 + 6/100, तो 7 पॉइंट से पहले है, वंस में है, तो 7.5/10, तो 7.56 इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 + 0.5/10 को हम लिखेंगे 0.5 और इसको लिखेंगे हम 0.06, आप इसको ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू लाइक दिस। थर्ड इज 16 + 2/10, 16 + 2/10 + 5/1000, तो ये हो जाएगा 16 + 0.2, ठीक है। ये 2/10 सॉल्व करोगे, एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 3 जीरो है तो लेफ्ट से 3 डिजिट काउंट करके जीरो लगानी है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 16.205, क्योंकि ये 5/1000 है, 3 डिजिट है। इसी तरह इसका फोर्थ हम करते हैं, तो फोर्थ वन इज 25 + 3/100 + 6/1000, तो ये 25 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, क्या आ गया 0.03, प्लस यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले जीरो पॉइंट लगाना है, 1 2 3 1 2, वैसे लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे, कैसे करते हैं एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ, 25.00, ठीक है, ये हो गया 0.03 और ये हो गया 0.006, तो आंसर आएगा 25.036। इस तरह से बी पार्ट आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 5.34, दो तीन एक्सरसाइज एक साथ कर लेंगे, अभी आपको 5.2 अपनी फेयर नोटबुक में मुझे सबमिट करनी है, थैंक यू।